गणपति पापा मोरिया, कल हम सब के घर गणपति आ जाएंगे और सबसे बड़े गणपति के हमें दर्शन भी हो चुके हैं। इसी खुशी में आज हम बनाएंगे मलाई पेड़ा, जो कि गणपति पापा को बहुत पसंद है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और मैंने एक लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। फुल फैट मिल्क ही लीजिएगा और बर्तन वो लीजिएगा जिसका बेस हैवी हो ताकि दूध जले ना। हमें अब इसको हिलाते रहना है, चलाते जाना है और साइड से स्क्रैप करते रहना है। ये ध्यान रखिएगा कि हमें लगातार चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो पेड़े का कहीं रंग सफ़ेद, कहीं रंग थोड़ा डार्क हो जाएगा। हमें इवन रंग चाहिए और इसका सबसे ज़रूरी यही काम है कि हमें यह चलाते रहना है। जब दूध थोड़ा कम हो गया है तो मैंने यहाँ पे केवड़ा असेंस डाल दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालिए या नहीं डालिए। मलाई पेड़ा भी बहुत अच्छा लगता है प्लेन। यहाँ देखिए दूध गाढ़ा हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, और साइड से आप स्क्रैप करते रहिए। ये देखिए, अगर आप देखें तो मेरे इस पर कितना ज़्यादा ये मावा ऑलमोस्ट अभी बन रहा है और बहुत ही जल्दी बन जाएगा, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप गाढ़ा दूध हो जाता है ना तो बहुत जल्दी मावा बन जाता है। ये देखिए साइड्स छोड़ने लगा है और ये मावा जो है वो इकट्ठा भी होने लगा है। अब बस ये ऑलमोस्ट तैयार है। अब हमें इसमें डालनी है चीनी। यही सही टाइम है जब हम इसमें चीनी डाल देंगे, और जब हम चीनी डाल देंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें अच्छे से इसको चलाते रहना है, कहीं वरना कलर डार्क और कहीं लाइट हो जाएगा। और मैंने चीनी 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून ली है। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो 1/4 कप काफ़ी है। और मेजरिंग कप साइज़ 240 ml था। अगर आपके पास 250 ml है वो भी चलेगा, आप इसी हिसाब से ले सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे ठंडा करने रख देते हैं। यहाँ मैंने एक प्लेट में घी लगा के रख दिया है और इसी में मैं जो मावा तैयार किया है वो ठंडा होने रख देंगे। इसको अच्छे से फैला के रख दीजिएगा ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा था और ये मावा अब ठंडा हो चुका है। अब मैं एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे से दबा दूंगी, कोई भी लम्स हो या कुछ भी ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और मैंने एक कटोरी में पीछे घी लगा दिया है और इसको अच्छे से मसल दिया है। अब यहाँ मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। यहाँ मैंने इसको अब पेड़े का शेप देना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी जल्दी से मैं पेड़े बना लेती हूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक एक पेड़ा बनाएं, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि छोटे छोटे गोले तोड़ के रख लें और फिर एक साथ पेड़े बना लें। यहाँ मैंने येलो फूड कलर लिया है जिससे मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। यहाँ एक एक बस हल्के हल्के हाथ से आप ऊपर ऊपर हल्का टिप लगा लीजिए। और यहाँ पर मैंने पिस्ता डाल दिया है और ये इतना खूबसूरत लग रहा है ना। अब हम गणपति बाप्पा के लिए जल्दी से अपने घर पे प्रसाद बनाते हैं, गणपति बाप्पा का इंतज़ार करते हैं। कल हमारे घर सबके घर पर गणपति बाप्पा आ जाएंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, ये मलाई पेड़ा भी ज़रूर गणपति बाप्पा के लिए बनाइए। थैंक यू।